ये देखे, जब इसको ऐसा पकड़ते हैं ना, ये देखे, क्योंकि ये जो है ना, इसके जो दो जो है नट लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है छोटा सेंटर, और एक ये इधर लगा हुआ है, इसमें जो है ना बीच में यहाँ पे प्ले होगी, ये वाली, ये देखे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, गौर से देखना ये वाली। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सिलाई मशीन में जैसे हम सिलाई करते हैं, कपड़ा रखते हैं, तो क्या होता है कि कपड़ा हमारा जो है लहर में चलता है, सीधा नहीं चलता बिल्कुल, कपड़े को पकड़ना पड़ता है यहाँ से। और वो क्यों होता है दोस्तों, ये जो दांत है ना, ये देखे, इसमें जो है प्ले होती है ज़्यादा। मैं दिखाता हूँ आपको, इसको पैर को खोलते हैं पहले, यहाँ से पैर खोल लेंगे, और उसको गौर से देखना दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये जो दांत में प्ले है ना, ये वाली, ये वाली, ये भी चलती है ना, इस पर जैसे कपड़ा चलता है तो दांत भी ऐसे चलते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अगर ये टाइट हो गया ना ऐसे, बिल्कुल इसमें प्ले नहीं होगी, तो कपड़ा हमारा सीधा चलेगा बिल्कुल। ये देखिए कितनी प्ले है इसमें, और ये प्ले कहाँ पे है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, क्या करना है, इसको खोल लेंगे पहले यहाँ से, इसका जो है ना शटल, ये शटल खोल लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे दोनों पेज खोल के। ये दोनों पेज खोल गए ना, इसको शटल को बाहर निकालेंगे, फिर देखना ये प्ले कहाँ दिखा रहा है। ये देखिए दोस्तों, जैसे इसको चिमटी को पकड़ेंगे ना, ये अब तो देखिए यहाँ से, ये यहाँ से है, और इसको ऐसे लेटा लेंगे नीचे, और ये देखिए दोस्तों, ये इसकी जो चिमटी है ना, जिसमें दांता लगा होता है, ये जो दांते लगे हुए हैं ना इसमें चिमटी में, और ये चिमटी है, ये चिमटी इसमें जो नीचे लट है ना, ये वाली डंडा है, इसमें लगा हुआ है। ये देखे, जब इसको ऐसे पकड़ते हैं ना, ये देखे, ये क्योंकि ये जो है ना, इसके जो दो जो है नट लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है छोटा सेंटर, और एक ये इधर लगा हुआ है, इसमें जो है ना बीच में यहाँ पे प्ले होगी, ये वाली, ये देखे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, गौर से देखना ये वाली, ये वाली जो प्ले है ना, इसकी वजह से जो है दांते इधर उधर चल रहे हैं। इसको ठीक करेंगे आज दोस्तों। हमारे जो सब्सक्राइबर है ना, वे काफी टाइम से हमसे वीडियो मांग रहे थे कि जैसे कपड़ा हम चलाते हैं ना, तो कपड़ा बिल्कुल सीधा नहीं चलता, कपड़ा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और सिलाई भी ऐसे ही आती है। क्यों आती है, मैंने जो आपको बताया ना, इसकी कमी होती है, क्योंकि दांत में जो प्ले होती है ना, इसकी वजह से ये होता है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मैं आपको समझाऊंगा कैसे ठीक करना है और क्या कमी होती है, दांत की कैसे सेटिंग करनी है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले, वीडियो को काटना मत दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे हम दोस्तों, जैसे इसकी प्ले निकालनी है हमें, ये वाली, ये जो है ना यहाँ पे नीचे प्ले है, इसमें जो है 10 नंबर की चाबी लगेगी, ये जो 10 नंबर की चाबी है ना, 10-11 की, ये 10 की है, और इधर ये 11 की है, 10-11 की चाबी है। अब ये हमें नट खोलना है यहाँ से, इसको अगर ऐसे कोशिश करेंगे तो ऐसे जो है ऐसे भी खुल जाएगा, ये ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं खुलता, ये जो प्लास है, प्लास की मदद से इसको ऐसे फंसा लेंगे इसमें, और ऐसे लगाएंगे यहाँ, ऐसे ऐसे करके इसको खोल लेंगे ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। अब जो है इसे पेचकस की मदद से, इसका जो पेच है ना अंदर वाला, ये टाइट करना है हमें, और इसको पकड़ के भी देखना है कि हमें कितना टाइट करना है। अगर ज़्यादा टाइट कर लेंगे इसको तो मशीन हमारी जाम हो जाएगी, तो इसको ऐसे ही चेक करते रहना है। इसमें ये वाली प्ले ना हो बिल्कुल भी, चेक कर लेंगे ऐसे ऐसे हिला के देखेंगे इसमें, अब भी इसमें थोड़ी सी प्ले है, इसको जैसे टाइट करेंगे ना दोस्तों, इसको चाबी की मदद से जैसे इसको टाइट करेंगे, इसके साथ साथ ये भी घूमेगा, जो अंदर वाला पेंच है ना थोड़ा सा, ये भी घूम जाएगा और इसे टाइट हो जाएगा, ये ऐसे, ये देखे बिल्कुल हमने इसे टाइट कर दी दोस्तों। अब इसकी प्ले देखिए आप, ये जो प्ले थी ना, ये वाली, यहाँ पे जो प्ले दिख रही थी आपको, ये वाली बिल्कुल ख़त्म हो गई। इसको कितना भी लाएंगे तो यहाँ से प्ले इसकी ख़त्म हो गई। इसकी जो ऊपर की प्ले है ना, ये गोली वाली, ये है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जो हमारे दांत है ना ऐसे नहीं चलने के, इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेंगे यहाँ पर भी,
और ये यहाँ पर इसको आपको अब देखे दोस्तों ऐसे बिल्कुल भी, अब ये जो ऐसे हो रहे थे ना ये ऐसे ऐसे बिल्कुल ख़त्म हो गए ना। पहले इसमें क्या था दोस्तों, इसमें काफ़ी प्ले थी, ऐसे ऐसे हिल लेते, अब ये बिल्कुल सीधे चलेंगे। अब ये देखें कितना भी हिला लो उसको, इसकी सारी प्ले ख़त्म हो गई। जैसे जैसे इस पर हम सिलाई करेंगे ना दोस्तों, जैसे कपड़ा रखेंगे, अब जो है हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा चलेगा और सीधे ही सिलाई करेगा, कपड़े की पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसका शटल लगा के दिखाता हूँ आपको, शटल लगा लेंगे इसका, जैसे हमने खोला था ना शटल, ऐसे ही इसके दोनों पेच लगा लेंगे। दोस्तों जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपसे रिक्वेस्ट है, और वीडियो को शेयर जरूर करना। ये देखिए ये लगा लिया हमने दोस्तों, अब इसका जो पंजा है पैर है ये भी लगा लेंगे। उसका मच्छा है ना ये भी लगा। अब अपनी सिलाई मशीन से आप जो है सिलाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों बिल्कुल भी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हम जो है छोटी सिलाई मशीन और बड़ी सिलाई मशीन की हर तरह की वीडियो जो है, जो भी प्रॉब्लम होती है सिलाई मशीन की, हमारे चैनल पर काफ़ी वीडियो पड़ी है और हम ऐसी वीडियो घेरते रहते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।